नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शहडोल जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना कर्फ्यू के कारण पूरा जिला बंद है और ऐसे में लोग घरों में रह रहे हैं, जिससे लोगों का आर्थिक संकट भी हो रहा है और वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा इन गरीबों का पेट भरने का ऐलान किया गया था कि प्रदेश के जिलों में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर ग्रामीणों को 3 महीने का राशन मुफ्त में दिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। उचित मूल्य देने का कोठेदार की मनमानी की मार भी इन गरीबों को झेलनी पड़ रही है। जयसिंह नगर के ज्यादातर ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में एक तो कोरोना नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा, ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। वहीं कोठेदार के द्वारा ग्रामीणों को केवल 2 महीने का ही राशन थमाकर चलता कर रहा है। अब ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार ने उन्हें 3 महीने का मुफ्त राशन देने का वादा किया है, तो कोठेदार के द्वारा उन्हें 3 महीने का राशन क्यों नहीं दिया जा रहा। ये हालात जनपद पंचायत जयसिंह नगर के कई ग्राम पंचायतों का हाल है। मैं मीना भाई कौल, ग्राम दुआरी, पंचायत लखनऊ की। क्या बोल रहा कोठेदार? कोठेदार बोल रहा है कि 2 महीना की गल्ला कुल मिलेगा, 3 महीने का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोल रहा है कि अभी नहीं आया, 3 महीना बाद मिलेगा। कोठेदार कौन है? कोठेदार का नाम गुड्डू तिवारी है। क्या है? गुड्डू शुक्ला नाम है। अच्छा, तो मतलब बोल रहा है 3 महीने का ना मिलेगा? नहीं मिलेगा तो बोल रहा है। गिरा नहीं है ना कोटा में, गल्ला ही नहीं आया है। हाँ, गल्ला नहीं आया कोटा में। तो पिछले महीने भी आप लोग को नहीं मिला था? नहीं मिला था, 1 महीना का रोक लिया था पिछले महीने। तो ये जो राशन दे रहा था, इसका पैसा नहीं ले रहा है? पैसा नहीं ले रहा, ये पर 2 महीने का दे रही है। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।